NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार भारत में पिछले साल यानी 2020 में हर रोज औसतन 31 बच्चों ने आत्महत्या सुसाइड की। विशेषज्ञ बच्चों की आत्महत्या के इस डरावने आंकड़े के पीछे कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों में मनोवैज्ञानिक तनाव को जिम्मेदार मान रहे हैं। NCRB के डाटा के अनुसार साल 2020 में कम से कम 11,396 बच्चों की मौत आत्महत्या के कारण हुई। यदि पिछले आंकड़ों से आत्महत्या के इन आंकड़ों की तुलना करें तो ये 2019 के 9,613 से 18% ज्यादा है और 2018 के 9,413 से 21% ज्यादा है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या का मुख्य कारण पारिवारिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से 4,006 बच्चों ने आत्महत्या की। प्रेम प्रसंग है जिसकी वजह से 1,337 और बीमारी जिसकी वजह से 1,327 बच्चों ने आत्महत्या की है। कुछ बच्चों के आत्महत्या करने के पीछे के वैचारिक कारण है, बेरोजगारी है, दिवालियापन है, नपुंसकता है और मादक पदार्थों का इस्तेमाल जैसे अन्य कारण भी इसमें शामिल है। महामारी के कारण स्कूल बंद होने और खेल कूद संबंधी गतिविधियां ठप होने की वजह से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। बाल संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन के उप निदेशक प्रभात कुमार ने कहा है कि COVID-19 के परिणाम स्वरूप स्कूल बंद होने के अलावा सामाजिक अलगाव के कारण बच्चों समेत वयस्कों का भी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुमार ने कहा है कि हम एक समाज के रूप में राष्ट्रीय मानव पूंजी के निर्माण के लिए बच्चों की शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजों की तरफ तो ध्यान देते हैं, लेकिन इस दौरान हम उनके मानसिक स्वास्थ्य या उन्हें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर समर्थन देने पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रभात कुमार कहते हैं कि माता पिता, परिवार, पड़ोस और सरकार, हम सब की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां बच्चे अपनी क्षमता को साकार करने, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर हो सकें। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों में आत्महत्या के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने पूरे तंत्र की विफलता को सामने ला दिया है। अब बात यहाँ ये है कि हर दिन 31 बच्चों का आत्महत्या करना ये कोई छोटी बात नहीं। हम जहाँ बच्चों की पढ़ाई को लेकर इतना ध्यान देते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को लेकर इतना ध्यान देते हैं, तो वहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी हम उतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आज भी बहुत से लोग मेंटल हेल्थ को एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे आंकड़े आज हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और WHO ने भी वहीं दूसरी तरफ ये कह दिया है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश। आज के वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।